अलवर शहर के मुंगस्का कॉलोनी में रहने वाले एक सातवीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले 14 वर्षीय बच्चे को मोबाइल की लत लगने के कारण लगातार मोबाइल पर फ्री फायर और पबजी जैसे ऑनलाइन गेम खेलने की लत ने उसकी तबीयत खराब कर दी। सातवीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से उसका दिव्यांग संस्थान के हॉस्टल में भर्ती करवाकर इलाज कराया जा रहा है। उसे कई बार मजबूरी में बच्चे को परिजनों को बांधकर भी रखना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार तुरंत मोबाइल पर पबजी गेम खेलने के लिए जिद करता है। फिलहाल परिजनों के द्वारा बच्चे को 15 दिनों के लिए स्पेशल बच्चों के डॉक्टर के स्कीम नंबर 8 में भर्ती कराया गया है, जहां पर काउंसलर उसकी मदद कर रहे हैं। मनोरोग चिकित्सक और अन्य डॉक्टर्स की टीम भी उस पर काम कर रही है, जिसका फायदा अब उसे मिलने लगा। दरअसल ये पूरा मामला अलवर मुंगस्का कॉलोनी का है, जहां पर एक 14 साल के बच्चे जिसकी उम्र 14 साल 7 महीने में ही उसकी मोबाइल पर ऑनलाइन गेम और फायर फ्री खेलने लगे और गेम की लत इतनी ज्यादा हो गई कि उसका मानसिक संतुलन ही खराब हो गया। बच्चे की माँ आसपास के घरों में झाड़ू पहुंचाकर काम करती है, जबकि उसका पिता रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। 7 महीने पहले बच्चे के पिता ने एंड्रॉइड मोबाइल फोन लिया और जनवरी 2023 से फोन घर पर रहने लगा। बच्चे की मां सुबह घरों में झाड़ू पोंछा का काम करने निकल जाती, जबकि उसके पीछे से पिता भी जब काम करने के लिए चला जाता तो बच्चा ये 14 साल का अकेला घर में रहता और मोबाइल पर लगातार 14 से 15 घंटे तक मोबाइल पर गेम फायर फ्री खेलता। रात के समय भी रजाइया चादर ओढ़कर उसमें लेट नाइट तक मोबाइल पर यही गेम खेलता रहता था। नवभारत समाचार अलवर से चंद्रमोहन गुप्ता की रिपोर्ट। क्या बात हुई, आपका बच्चा थोड़ा मानसिक संतुलन खो बैठा, क्या था? ऐसे नहीं सर, वो मोबाइल खेलता था, यानी गेम वेम देखता था, पबजी बोलते क्या वो। आप कहाँ से लाए थे मोबाइल उसके लिए? मैं काम वाले से लाई थी, मेरे को काम वाले ने दिया था। लड़की बोल रही थी कि मम्मी एक मोबाइल अपन भी ले लें, कहीं ब्याह शादी में चलते हैं तो फोटो वोटो खींचने पड़ जाते हैं। मैं तो इसके बाद शौक से लाई थी, मेरे को पता नहीं था मेरा बच्चा ऐसे। क्या हुआ, पूरा मामला बताओ। हाँ नहीं तो पूरे ऐसे ये था, जब सर ये पबजी खेलता रहता देखता रहता था, मैं काम धंधे पर चली जाती थी, मैं दोपहर में आती थी, फिर जब इसको डांटती थी तो रख देता था एक आधा घंटे के लिए, फिर रात को सोता था। जब जब आँख खुलती थी, जब 3 बजे 12 बजे 2 बजे जब भी उठा के बैठ जाता था ये, है और उससे बाद फिर ऐसे खेलता खेलता फिर बीमार पड़ गया था, उल्टी दस्त हुई, इसकी आँख फिर गई थी, तो मैंने इसकी इलाज करवाया था, है ना। फिर आँख तो इसकी सही हो गई, फिर दिमाग का ही ऐसे हो गया, है ना। फिर तो बाद में भाग जाए घर से, पत्थर ईंट मारने लग जाए ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे 2-3 जगह भर्ती करवाया है, यानी हरीस में करवाया था, पर सरकारी में करवाया, फिर मैं जयपुर ले गई, 5 दिन में वहाँ ने भर्ती करवाया था SMS में, कुछ फ़र्क नहीं लगा, फिर रो के फिर मैं घर ही लिया या आखिरी में। आप माँ हैं बच्चे? हाँ जी। क्या नाम है? लक्ष्मी। स्कूल जाता था तो हम तो खैर काम धंधे पे निकल जाते थे, स्कूल से आता था, फोन था, जैसे स्कूल का काम कर लिया, फोन खेलने में लग गया तो हमको क्या मालूम क्या खेल रहे हैं, कोई नाटक देख रहे जाओ, कोई वैसे ही गाना फाना, उसमें क्या है ये चला है, क्या कहते हैं ये कब्जी वाला गेम, धीरे धीरे मालूम पड़ा है। मालूम पड़ने से ये होली तक सही था, होली के बाद इसकी आँख घूमने लग गई, आँख घूमी तो हमने किसी ने बताया, इसका इलाज भी करवाया हरीस हॉस्पिटल में, सरकारी में भी ले गए, यहाँ से सही नहीं हुआ तो हम खैरतल ले गए, खैरतल किसी ने बताया तो वहाँ से क्या इसकी आँख को थोड़ा बताया जिसने, वो सही हो गया, थोड़ी बहुत फर्क पड़ गया। तो जैसे हॉस्पिटल ले गए, यहाँ से सही नहीं, दिल्ली जयपुर बताया, जयपुर ले गए, जयपुर भी 2 बार ये भागने की कोशिश करता है, मतलब ये जैसे हाथ खुला छोड़ दो कोई नहीं होता तो ये रोड पे भाग जाएगा, इसके पीछे पकड़ने के लिए भागना पड़ता है। तो कई होते हैं जैसे वो पकड़ लेते हैं, जब ये थक जाता है रुक जाता है तो फिर इसको हम घर ले आते हैं। कुछ दिन हमने वैसे बांध के भी रखा है पीछे, घर पर कोई नहीं होता भाई, गाड़ी घोड़े चलते हैं, कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर हम इसको जब जयपुर से लाए, फिर हमने घर रखने के बाद भी किसी ने बताया कि अपने बस स्टैंड पे जाओ, दिमाग का वो है डॉक्टर, उससे इलाज करवाओ, इसकी दवाई भी चल रही है, अब भी चल रही है दवाई, अब तक ला रहे हैं इसे, जब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसी ने बताया थोड़ा हॉस्टल में डाल दो, भागने की वजह से चल देखभाल रहेगी बच्चों की, हम इसमें 5,500 रुपये भी दे रहे हैं, दवाई भी पहुँचा रहे हैं। अब इसके क्या है, थोड़ा बीच में हाथ कांपने लग गया, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका इलाज हो भी जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ से इस तरह की गतिविधि रहती है इसकी, मतलब अगर ये खेलता है और नहीं खेलता है तब? ये पहले सही खेलता था, स्कूल से आते सब बच्चों के साथ, बड़ों बड़ों के साथ खेलता था, सब पुलिस वाले बगल में वकील है इनके, बच्चों के साथ वकील खुद हंसता था इनके साथ बुला के हंसता था, 9-10 बजे पड़ोसी बुलाते थे, कोई काम पड़ जाता था तो मिनटों में खाना छोड़ा उनके साथ चला जाता था।
इसको कोई ऐसी ये नहीं थी, अभी होली के होली निकलते इसके साथ ये चक्कर पड़ा है एकदम सही, जैसे बुखार सा चढ़ा, बुखार होते होते इसकी आँख घूमते ही ये हालत है इसकी। लगभग कितने घंटे ये पबजी खेलता है? ये देखो सुबह जैसे आँख खुल गई हम तो सो जाते, जैसे रजाई ले लिया उठा लिया, अब हम क्या पता कौन सी कब्जी कैसी कब्जी क्या खेल रहे हैं, ध्यान पड़ गया तो फोन खोस लिया, रात को 9-10 बजे सो लिया, आँख खुल गई 12 बजे जब उठा लिया, तो ये है इसके साथ। कभी हिंसक हुआ आपके साथ, मारपीट या किसी के साथ? नहीं, मारपीट नहीं करता था, नहीं नहीं ये काम कभी नहीं, जैसे हमने धमकी से डर जाता था, फिर फोन मांगता था, जैसे जैसे टीवी चला दिया पंजाबी गाना आवाज तेज, बेटा कम कर ले, जब ये भागते हैं हम पूछते हैं क्यों भागता है, बोले मेरे को समझ ही नहीं, पता नहीं लगता मैं क्यों भागता हूँ, क्या हो जाता है मेरे को। ये सोते सोते क्या करता है, जैसे सुनने में आएगी सोते हुए आवाजें निकालता है? नहीं, फायर करो नहीं, ऐसी कोई आवाज नहीं, सोएगा तो सुबह जैसे देख लेगा 5 बजे सो रहे हैं तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा भागने की, आँख खुल गई तो इसको हम रोक लेते हैं, लैटिंग जाना लैटिंग करवा देते हैं, फिर भी कहेगा मम्मी मेरे को जाने से मुंगस तक गुरुद्वारा है मट्टा टेक के आऊँ, फिर वहाँ मट्टा टेकेगा, थोड़ा बाजार के टेम्पू में आ दिया उसको, उसने बैठा लिया, फिर आगे आ दिया पूरा बाजार, 2 बार तो ये रिवाड़ी भाग चुका है ट्रेन में बैठ के, फिर हमारी साली रहती है उसने बैठाया वापसी यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से बंद कुछ तक भाग गया, वहाँ से पुलिस वाला भी छोड़ गया, फिर यहाँ बाजार में भागा जाने कौन से जगह, तो ये अपने एनईपी थाने पुलिस वाले थे जिसमें बैठा के लेते हैं इनको भी, वो भी कह रहे अपने थोड़े जानकार निकले, पूछने लग गए बोला आपका लड़का, मैं कहाँ बोलो उतार लो कोई बात नहीं, जब भी वो छोड़ के गए, तो इसके ये भागते हैं जब इसको मालूम नहीं पड़ता कि इसके साथ हो क्या जाता है। कब आपने इसको मोबाइल दिया था, क्या उम्र थी उस समय में इसकी जब आपने इसको मोबाइल दिलाया या जब से खेलने लगा? मोबाइल तो हमारा जैसे वैसी घरवाली काम करती ने तो उनने दिया था पुराना मोबाइल था, चल बच्चों ने कई लड़कियों ने बोले एक रख लेते हैं शादी ब्याह में जाते हैं, जैसे फोटो वोटो खींच लिया, तो उसके अब बच्चे हैं धीरे 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 उठाते उठाते ये होली के बाद हमको पक्का मालूम पड़ा जिसकी ये हालत हुई, ये होली जा रही है 4-5 महीने से जब मालूम। उम्र कितनी है और कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 7वीं पढ़ा हुआ है, 7वीं पढ़ा हुआ है, बहुत स्कूल में भी इसकी तारीफ है, हर जगह बच्चे सब इसकी तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया अजय बहुत बढ़िया है, और इसकी उम्र है 15-16 साल। एकदम से अचानक बच्चा डिप्रेशन में गया है, और एक बच्चा हमारे पास अभी एडमिशन आया है अभी प्रेजेंट में, वो बच्चा मुंगसवा का रहने वाला है अजय, और उनके घर वालों के कहने के अनुसार बच्चे के माता पिता ने बताया कि बच्चा 7th क्लास या 6th क्लास से ही लगातार रेगुलर पबजी गेम के जैसों के साथ मोबाइल से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था, और बच्चे को इतना शौक लगा कि बच्चा उस जो उसके अंदर एक्टिविटी होती है गेम की वो पूरी बता रहा है, और बच्चा अचानक से अभी 4 मंथ पूरों में ही बच्चा डिप्रेशन में गया है, तो हम उसके ऊपर हमारी फैकल्टीज काम कर रही है कि जो बच्चे के दिमाग के अंदर जो पहले आ रहा था, जो बच्चा पबजी के कारण डिप्रेशन में गया है, उस गोली बारूद मारने ऐसे ऐसी एक्टिविटी में जो बच्चा डिप्रेशन में गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे के मानसिक संतुलन को वापस उसी जिंदगी के अंदर लौटा के और बच्चे को एक सामान्य जिंदगी दोबारा से दी जाए। क्या बताता है वो बच्चा? की बच्चा बताता है कि मैं पबजी खेलता था, उसके अंदर बहुत सारे लोग आते थे, उसके अंदर गोलियां मारनी पड़ती थी, एक दिन अचानक हुआ कि मैं उनको नहीं मार पाया, वो मेरे को मारने लगे, तो मेरे को लगता है कि शायद उसी झटके के अंदर बच्चे के अंदर ऐसा डिप्रेशन में गया है, ताकि वो खुद सोच रहा था कि ये सब मेरे को मार रहे हैं। ठीक है, किस तरह का गेम खेलता था, क्या स्थिति है अभी इसकी? ये पबजी खेलता था, फ्री फायर गेम, उस गेम को खेल ये इतना खेलता था 24 घंटे में लगभग 15 घंटे ही खेल लेते था, और माँ बाप लड़ते थे, लेकिन रिजाई में घुसकर 4 महीने पहले सर्दी थी तो रिजाई में घुसकर या फिर आसपास गलियों में जाकर ये खेलता, इतनी बुरी लत थी इसको कि उसके बगैर ये खाना भी नहीं खाता था, और अब स्थिति ऐसी है कि हाथ वाइब्रेट करते हैं और पूरा संतुलन खो चुका है, अपने माँ बाप को याद करता रहता है, तो ये बहुत बुरा गेम की लत है। ये 15 साल का बच्चा है। आपके पास आया तो आपने क्या अमेंडमेंट किया इसमें? हम क्या है कि घर पे ये भाग जाता था, कभी रेवाड़ी भाग जाता था, पुलिस छोड़ के जाती थी, कभी किसी रिश्तेदार के पास चल जाता था, तो ये माँ बाप ने सोचा कि भाई ये भाग जाता है, हम मजदूरी पर चल जाते हैं, तो इन्होंने सोचा कि एक दिव्यांगों का हॉस्टल हमारा पता लगा तो इसमें इन्होंने डाल दिया माँ बाप। आपके पास कैसे सूचना आई और कैसे मिला?
हमारे एक मित्र हैं, उनके थ्रू ये आया है। किस तरह इसके हाथ मोबाइल लगा, क्या परिवार की इसकी स्थिति थी जो इसको रोक नहीं पाए? इनकी माँ है जो आसपास के बर्तन मांजने जाती है। तो क्या परिवार रोकने का प्रयास करता था, तो क्या ऑनलाइन क्लास कैसे कहके बैठा था कैसे? अब क्लास का नाम लेके ये माँ बाप से मोबाइल लेता था, लेकिन पूरी रात ये पबजी फ्री फायर गेम खेलता था।